है गाइज माई सेल्फ एम एम प्रजापत टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाई पीपल लेफ्ट द जॉब इन इंडियन एयर फोर्स इन अ बेसिक ट्रेनिंग एन अर्ली स्टेज सो लेट वी नो द रीज़न बिहाइंड दैट पीपल क्विट द जॉब इन अ बेसिक ट्रेनिंग आपने देखा होगा जो आपकी वन ऑफ ट्वेंटी वन थी उसमें बहुत सारे जो लोग थे uh, करीब हंड्रेड प्लस थे उन्होंने यहाँ से जाने के बाद जैसे ही आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है एटीएस टी एस के अंदर वहाँ से उन्होंने क्विट कर दिया था मतलब अपना जो डिस्चार्ज का फॉर्म है वो भर दिया था तो उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं और मोस्टली जो पीपल है वो ट्रेनिंग के अंदर जो छोड़ते हैं जॉब को क्यों छोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट रहते हैं तो आप सभी लोगों को मैं आज वो रीज़न बताऊंगा किस कारण की वजह से वो लोग छोड़ते हैं क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके पीछे ठीक है बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं क्या वहाँ पर ट्रेनिंग टफ होती है या फिर क्या मतलब चीज़ें जिनकी वजह से वो छोड़ते हैं तो आज की वीडियो में हम वो सब कुछ जानेंगे तो भाई देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है क्या ट्रेनिंग प्रोसीजर की वजह से वहाँ पे लोग जॉब को क्वेट करते हैं तो ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं है एक परसेंट भी नहीं क्योंकि देखिए वहाँ पे ट्रेनिंग का ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जॉब छोड़ जाए ठीक है होता क्या है बेसिकली इसके पीछे तीन चार रीज़न है वो मैं आप सभी को क्लियर करूँगा पहला रीज़न क्या होता है कि जब आप यहाँ से जाते हैं अपने घर से फर्स्ट टाइम तो आप किसी अनजान जगह पे जाते हैं जहा आप, आपके कोई ना मम्मी ना पापा ना दोस्त भाई बहन रिश्तेदार कोई नहीं होता मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कोई भी जानकार नहीं होता और इवन उनके दोस्त भी मतलब इतनी जल्दी नहीं बन पाते ठीक है तो वो लोग वहाँ पर अडोप्ट नहीं कर पाते मन नहीं लगता है शुरुआत में मतलब ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ ठीक है और देखिए आप सभी लोगों को मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यदि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कोई भी ज्वाइन करोगे तो उसमें फर्स्ट प्रायरिटी है वो दी जाएगी डिसिप्लिन को डिसिप्लिन शुड बी पैरामाउंट राइट तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना ही करना होगा एट एनी कॉस्ट उसके लिए चाहे तो आप उसे अच्छे से करें चाहे आप बुरे से करें उसके कई तरीके होते हैं कि आपको इजीली भी समझाया जा सकता है नॉर्मल ब्रीफिंग देकर यदि आप उससे नहीं मानते हैं, तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन भी लिया जा सकता है ठीक है तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे बड़ा रीज़न ये होता है यहाँ से जाते हैं और मन नहीं लगता है उसकी वजह से बस मन के अंदर बेचैनी रहती है और उसकी वजह से छोड़ देते हैं दूसरा रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे जब लोग यहाँ से जाते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होती है मतलब पढ़ने में थोड़े ठीक होते हैं तो जैसे ही जॉब लग जाती है तो उनके मन में यह होता है कि यार मैं यहाँ पर आ गया मुझे कहीं और जाना चाहिए था मैं तो यूपीएससी क्लियर करता मैं ऑफिसर बनता मैं ये करता मैं वो करता बहुत सारा की जो दुविधाएं हैं वो उनके मन में रह जाती हैं तो इस वजह से वो लोग उनका मन करता है कि मुझे एयरमैन की जॉब नहीं करनी चाहिए ठीक है तो वो वहाँ से छोड़ देते हैं ये भी एक सबसे बड़ा उनका रीज़न होता है और और भी कई सारे रीज़न हैं जैसे कि जॉब लगने के बाद लोगों को लगता है कि यार मैं कोई सिविल एग्ज़ाम में क्रैक करूँगा या कोई सिविल जॉब में होता तो मैं अच्छा होता यहाँ पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो भाई देखो यदि आप फौज ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे उसमें आपको कोई डाउट नहीं है ठीक है तो कुछ लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से जैसे जाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बेलगाँव का वो थोड़ा सा चेंज होता है अपने यहाँ पे नॉर्थ में क्या होता है कि नॉर्मली यदि गर्मी का मौसम है तो गर्मी रहती है दिन में भी और रात में भी जो वहाँ का एनवायरनमेंट है ना वो यदि आप कुछ दिन यहाँ पर रह जाते हैं तो बहुत ही बेटर इन्वायरमेंट है वहाँ का सबसे अच्छा एन्वायरमेंट है बेलगावी का तो वहाँ पर क्या होता है कि आप यदि सर्दियों में भी जाओगे ना हम गए थे सर्दियों में जनवरी का महीना था वहाँ पर आपको सुबह के टाइम में थोड़ी सी ठंड मिलेगी और दिन में गर्मी रहेगी शाम को फिर थोड़ा सा ठंड होने लगेगा तो इसकी वजह से कई जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है और वो इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं ठीक है ठीके? और फिर बीमार होते हैं तो उसके उनके जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अब कभी बीमार होते हैं तो हमें घर की याद आती है ऑब्वियसली तो उसमें जो उनके मन में दुविधाएं वो चलती रहती हैं कि यार मैं बीमार हो गया मेरे को खाना सूट नहीं कर रहा पानी सूट नहीं कर रहा ये है वो यहाँ का रहना खाना एनवामेंट अच्छा नहीं है ऊपर से जो इंस्ट्रक्टर हैं वो डांट लगाते हैं कभी कभी पिटाई भी कर दी जाती है तो ये सारी चीज़ वहाँ पर मैटर करती है ठीक है ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि आप जिसकी वजह से आप जैसे ट्रेनिंग आपको टफ है ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ऐसा कुछ टफ़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है भाई देखिए गांव में आप रनिंग करते हैं आर्मी की तैयारी करते हैं दस दस बारह बारह बीस बीस किलोमीटर बंदे रनिंग करते हैं तो उससे तो कहीं कम ही है बेसिक ट्रेनिंग में आप बात पढ़ करें पढ़ाई की तो पढ़ाई जितने आपने की बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग में तो बहुत कम पढ़ाई है हाँ ट्रैक ट्रेनिंग में जाओगे वहाँ पर थोड़ा पढ़ाई का होगा असर लेकिन यदि बेसिक ट्रेनिंग में बात करें पढ़ाई की तो बेसिक में इतना नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपका जो ग्राउंड वर्क है वो ज़्यादा किया जाता है और आपका जो स्किल डेवलपमेंट टाइप में जैसे मान लीजिए आपका वियरिंग है ठीक है आप कपड़े कैसे पहनते हैं खाते हैं और ना सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी कवर्ड ठीक है वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की जाती है तो उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जो आप नहीं कर सकते और यदि फिर भी आपको लगता है कि मुझे स्विल जॉब करनी चाहिए या फिर मैं किसी की डांट और फटकार गालियाँ नहीं सुन सकता मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता मैं किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं कर सकता या फिर मेरा घर के बाहर जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता मैं मम्मी पापा भाई बहन के बिना नहीं रह सकता तो गई शायद ये जॉब आपके लिए नहीं है क्योंकि यदि देख यदि आप कुछ करना चाहते हैं यदि आपने सपना देखा है कुछ बनने का एयरमैन बनने का फौजी बनने का तो अपने जज्बातों से खेलना होगा और घर से बाहर तो आपको निकलना होगा कोई प्राइवेट जॉब भी आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको घर से बाहर निकलना होगा यार ये तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है इंडियन फोर्स के अंदर और बहुत ही अच्छा इन्वामेंट है यदि हाँ आप एबल है कुछ करने के यदि आप एबल हैं कि मैं एस SI आई क्लियर कर सकता हूँ सी जी एल सी पी ओ यू पी एस सी ये सब क्लियर कर सकता हूँ आपको कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप बिल्कुल मत जाइएगा ठीक है आप उसमें कीजिएगा क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने एक बार एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया तो विदाउट यू पी एस सी यू कांट स्किप द जॉब आफ्टर द ट्रेनिंग तो इसीलिए सो so, आप ज्वाइन करने से पहले सारी बातें ध्यान में रखें ठीक है आपसे जब आप अपने एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सारी चीज़ों के जो साइन है वो आपसे कराए जाते हैं ठीक है तो वहाँ पर कई लोग चले जाते हैं और जाने के बाद उनको इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हम जॉब नहीं छोड़ सकते किसी भी एग्ज़ाम के लिए अदर देन यूपीएससी एंड आपका जो पीसीएस होता है उसके लिए ठीक है तो उनका मन वहाँ पर भी थोड़ा विचलित हो जाता है कि यार मैं सी करता सी करता बैंक में जॉब करता ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आई कैन गेट द जॉब अपर लेवल ऑफ द एयरमैन देन आप शायद इसको ज्वाइन मत करो क्योंकि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया इंडियन एयरफोर्स को आपने ट्रेनिंग के दौरान आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके दौरान आप जॉब को छोड़ सकते हो ठीक है उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता जैसे मान लीजिए आपका जिस दिन अटेस्टेशन हो गया अटेस्टेशन के बाद यू कांट स्किप द जॉब ठीक है तो इसीलिए अब ट्रेनिंग के दौरान आप कुछ भी आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको उसके टाइम में यू पी या फिर आपका जो एफकेट है सी है ये जो एग्ज़ाम है इनके लिए ही आपको परमिशन मिलती है और बेसिक ट्रेनिंग में तो ये भी नहीं मिलती बेसिक ट्रेनिंग के बाद यदि आपका एस है वो डिपेंड करता है उनके ऊपर वो देते हैं नहीं देते बाकी ट्रेनिंग टाइम में आपको देखिए बहुत कम चांस मिलेगा इस चीज़ का बाकी ट्रेनिंग के बाद कर सकते हो और आप यही सोच कर जाएँ कि जो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो उसी अपने जज्बे के साथ अपने आप को कभी वहाँ पर जाके डिमोटिवेट ना करें बहुत सारे डिमोटिवेटर डिमोटिवेट फैक्टर आपके सामने वहाँ पर आएंगे क्योंकि देखिए वो आपको हर चीज़ में अडोप्ट करना सिखाएंगे आपको खाना पहनना सभी सभी चीज़ें हैं वो आपको सिखाई जाएंगी फिजिकल पे आपका ध्यान दिया जाएगा कई बार ऐसी सिचुएशन आपको सामने आएगी कि आपको लगेगा कि यार अब क्विट कर देना चाहिए ठीक है वो भी आपको फेस करनी होगी ठीक है यदि आपको लाइफ में कुछ करना है तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस राइट और यार देखिए आपके गांव से आपके साथी दोस्त आपके रिश्तेदार कई इंडियन आर्मी में गए होंगे ठीक है तो मैं मानता हूँ कि इंडियन आर्मी से तो बहुत कहीं कम फिजिकल है इसका इतना वहाँ पर वो किया जाता है क्योंकि आपको वहाँ पर एक सॉलिड फौजी बनाया जाता है यहाँ पर ये सोचा जाता है कि आपको एक बेसिक फौजी तैयार करने के बाद आपको एक एयरमैन बनाना है उसके लिए आपके जो अलग अलग जो ट्रेडर उनके हिसाब से आपको अलोट किया जाता है बट आर्मी में तो स्पेशली फिजिकल पर ध्यान दिया जाता है ठीक है तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप इंडियन एयर को ज्वाइन करें और घर से ऐसा मन बना कर जाए कि मैं करूँगा जॉब यदि आप नहीं करना चाहते आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई आपकी जॉब से नाराज़ है तो प्लीज़ आप ज्वाइन ही ना करो क्योंकि देख आपके ज्वाइन ना करने से किसी एक बंदे की सीट रुकती है और उससे इंडियन एयर फोर्स को हो या फिर किसी और बंदे को भी बहुत भारी नुकसान होता है तो इसीलिए अपना जो भी स्टेप लेना है वो सोच समझ कर लें तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत